प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का लेक्चर होने वाला है वो मैं आज CBSE के जो सर्कुलर 14 अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हुआ है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन के बारे में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बच्चों के मन में काफ़ी सारी क्वेरी आ रही है कि इस कोविड पैंडमिक में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और एग्ज़ाम बोर्ड के होंगे वो कौन सी क्लास के होंगे, 10th के, 12th के होंगे या दोनों के होंगे। बच्चों के मन में कई सारे और क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आइदर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और कई तरह के क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड हो रखा है CBSE का जो एग्जामिनेशन है, या एक सिंगल टर्म होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा। तो उसके बारे में मैं क्लियरेंस दूंगा। बच्चों के मन में ये भी था कि डेट शीट कब रिलीज करेगी CBSE, क्या नवंबर दिसंबर में या मार्च अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, क्या वही ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स की जिस तरीके से पहले थी, रीडिंग टाइम में कोई चेंज आया या एग्जामिनेशन स्टार्ट में कोई चेंज आया वगैरह वगैरह, ये सारा क्या ठीक है। फिर क्वेश्चन का जो टाइप होगा आइदर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इसके बारे में जानकारी देने बच्चों तुम्हारे को, ठीक है। क्या रिजल्ट में डिक्लेयर होगा, क्या जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा फर्स्ट टर्म का, क्या उसी में बच्चे पास हो जाएंगे या सेकेंड टर्म में पास होंगे, ये सारे क्वेश्चनों का जवाब या प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो कब होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारी जानकारियों के बारे में लर्न करते हैं, ठीक है। तो बेटा एग्जामिनेशन के बारे में आपको मैं बता दूं, CBSE का जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम तो कंडक्ट करा रही है लेकिन किस क्लास के लिए, तो जो एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा 2020 से लेकर 21 से लेकर 22 तक में, वो होने वाला है हमारा 10th क्लास और 12th क्लास का, ठीक है बेटा, ये 2021 से 22। अब CBSE ने क्या करा है, एग्जामिनेशन को क्या करा है, एग्जामिनेशन को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया। कितने टर्म्स में डिवाइड कर दिया बेटा, दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में। यानी CBSE इस बार दो टर्म लेने वाली है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। जो टर्म फर्स्ट है वो कंडक्ट करा जाएगा हमारा, कंडक्टेड होगा वो होगा हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर तक, क्लियर है बेटा, नवंबर से लेकर दिसंबर में कंडक्ट होगा हमारा ये टर्म, ठीक है। अच्छा, इसका जो टर्म का जो मॉड है वो मॉड क्या होगा, इसका टर्म का जो मॉड है वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है बेटा। टर्म का जो मॉड है वो ऑफलाइन होगा और जो क्वेश्चन की टाइप है वो ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है बेटा, और जिसकी ड्यूरेशन होगी अबाउट 90 मिनट्स, क्लियर है बेटा। यानी जो फर्स्ट टर्म होगा बेटा वो कंडक्ट होगा हमारा नवंबर से दिसंबर में कंडक्ट होगा, और जो कंडक्शन जो एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, और जो क्वेश्चन की जो टाइप है, टाइप ऑफ जो क्वेश्चनिंग है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होगी और उसकी ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी। अब जो टर्म सेकेंड है वो कंडक्ट कराने जा रही है CBSE, जो कंडक्ट कराने जा रही है वो कराएगी हमारी मार्च से लेकर अप्रैल में 2020, ठीक है, 2022 में। अच्छा, इसका जो मोड ऑफ कंडक्शन है यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, वो भी हमारा ऑफलाइन होगा, ठीक है बेटा, वो एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा। अब ऑफलाइन होगा तो टाइप कैसी होगी, इसकी टाइप क्या होगी, वो दोनों हो सकती है हमारी, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी COVID-19 जो पैंडमिक है उसकी कंडीशन हमारे कंट्री के अंदर कैसी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव भी कंडक्ट करा सकती है CBSE और सब्जेक्टिव पेपर भी कंडक्ट करा सकती है, केस में मार्च से लेकर अप्रैल के मंथ में 2022 के अंदर, ठीक है बेटा, यहाँ तक। उसकी ड्यूरेशन भी हमारी 90 मिनट्स की रहेगी, क्लियर है आपको, यहाँ तक तो कंडक्ट मतलब यहाँ तक आपको मतलब क्लियर हुआ होगा कि CBSE जो एग्जामिनेशन कराने जा रही है 10th और 12th का 2021 से 22 में, वो दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया उसने, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में। टर्म फर्स्ट जो है वो कंडक्ट होगा नवंबर से दिसंबर में, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 90 मार्क्स के होंगे। सिमिलरली जो टाइप हमारा जो टर्म सेकंड है वो कंडक्ट होगा मार्च से अप्रैल 2022 में होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा
T1 में होगा वो 2 में होगा, ठीक है ना। और इसका भी मोड जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। टाइप्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट्स का होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन की, हमारे देश के अंदर कोरोना जो पैंडेमिक है उसकी कंडीशन कैसी है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की और आगे, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन है ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? CBSE, मैं आपको बता दूं बेटा, CBSE के पास में ऐसा क्या कारण है एग्जामिनेशन के लिए। CBSE कई सारे सब्जेक्टों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसके पास में 12th क्लास के लौते लगभग 1/4 एग्जामिनेशन है, और जबकि 10th क्लास के जो सब्जेक्ट कंडक्ट कराती है वो लगभग उसके पास में 75 है। तो हमारे पास में लगभग टोटल उनके CBSE के 189 के अराउंड में सब्जेक्ट्स हैं। अब इनका एग्जामिनेशन अगर CBSE कराने बैठेगी तो उसे लगभग 40 से लेकर 45 डे लगेंगे मिनिमम, और इससे क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो अफेक्ट होगी, यानी अवॉइडिंग द लर्निंग लॉस ऑफ स्टूडेंट। CBSE ने क्या करा है, इन सब्जेक्टों को जो भी हैं उसने मेजर और माइनर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, माइनर सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको बता दूं, मेजर या माइनर सब्जेक्ट चाहे वो 10th क्लास के हों 12th क्लास के हों, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट वही होते हैं, जैसे 10th क्लास की बात करें हमारे इंग्लिश लिटरेचर होती है और लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक हो सकती है, सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है, कोर्स ए वी वगैरह। सिमिलरली जो मेजर सब्जेक्ट हैं हमारे 12th क्लास के, वो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हमारी अकाउंटेंसी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और बहुत सारे जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं वही है। लेकिन जो कुछ माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, जैसे लैंग्वेज में हो गए हमारे पंजाबी हो गई, उर्दू वगैरह, इनको उसने माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो CBSE एफिलिएटेड हैं, उनको भी CBSE मेजर सब्जेक्ट ऑफर करती है, इसीलिए उसको एक डेट सीट इशू करनी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की। तो जो डेट सीट है, जो डेट सीट है CBSE के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, CBSE कहती है कि वो 18 अक्टूबर को फर्स्ट टर्म की डेट सीट को रिलीज़ कर देगी, ठीक है ना, 18 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ कर देगी, जो भी एग्जामिनेशन यानी फर्स्ट टर्म कंडक्ट हो रहा है उसकी डेट शीट को वो रिलीज़ कर देगी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी कंफर्मेशन, आपको 18 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन की डेट क्या है। सब्जेक्ट हमारे मेजर सब्जेक्ट के ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है CBSE, और मेजर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया 10th क्लास के मेजर सब्जेक्ट वही है हमारा, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, कोर्स ए भी जो भी है, और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, साइंस यानी नेचुरल साइंस जो हमारा, ठीक है, और सोशल साइंस हो गया, संस्कृत वगैरह ये है। जबकि मेजर सब्जेक्ट हमारे 12th क्लास के कौन कौन से हैं, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी वगैरह हो गया हमारा, अकाउंटेंसी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गई वगैरह वगैरह, होम साइंस वगैरह भी, ये सब की सब हमारे मेजर सब्जेक्ट में आते हैं। तो इसके लिए CBSE डेट रिलीज़ कर देगी, आपको CBSE के साइट पर मिल जाएगी 18 अक्टूबर 2021 में, और मैं भी अपनी वीडियो में इसके बारे में दे दूंगा। लेकिन अब जो खास चेंजेस CBSE ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर चेंज करे, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूरेशन कैसी होगी, टाइमिंग कैसा होगा वगैरह, ठीक है। चलिए, तो जो CBSE जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है, ठीक है, आपको तो पता चल गया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा, मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होने वाला है और 2 टर्म में डिवाइड होने वाला है। अब बच्चों के मन में, दिमाग में बात आ रहा होगा, चलो डेट सीट की बात कर दी हमने कि डेट सीट आपको 18 अक्टूबर में पता चल जाएगा, नवंबर में से दिसंबर में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कैसी होगी, अब हम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, आप ड्यूरेशन तो वही हमारी 90 मिनट्स की है हमारी, ठीक है ना, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन तो वही 90 मिनट्स की। अब ये 90 मिनट्स कैसे हैं और पेपर कब स्टार्ट होगा, तो CBSE ने 10th और 12th के पेपर स्टार्टिंग करने के लिए टाइम का चेंज करा है। आप पहले टाइम को पढ़ते थे, जो टाइम होता था CBSE का 10:30 AM से लेकर हमारा होता था 1:30 PM तक होता था, क्लियर है ये था। बट ये टाइम CBSE इस बार नहीं रिलीज कर लिए, जी हाँ बेटा आपने सही सुना, अब एग्ज़ाम इस टाइम पे नहीं होगा। CBSE ने बोला है कि इस बार टाइम जो होगा हमारा 11:30 AM से लेकर हमारा 2:30 PM तक होगा,
ठीक है ना, यानी ये ही हमारा राइट टाइम है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए करा है क्योंकि विंटर सीजन को दिमाग में रखते हुए ये टाइमिंग में चेंज आया है। ठीक है ना, अब बात आ गया, ये तो एग्जामिनेशन टाइमिंग हुई, ये हमारी एग्जाम की स्टार्टिंग टाइम हुई। अब ड्यूरेशन जो है हमारी रीडिंग ड्यूरेशन में भी चेंज करा है सीबीएसई ने। पहले जो रीडिंग का टाइम होता था हम 15 मिनट्स का होता था हमारा रीडिंग टाइम, लेकिन इसी विंटर की वजह से उन्होंने 20 मिनट्स का टाइम कर दिया है ताकि बच्चे और गेन कर सके, ताकि लर्निंग उनकी अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब जो सही टाइम है लर्निंग मतलब रीडिंग का वो 20 मिनट्स होगा। क्लियर है बेटा, ड्यूरेशन टोटल हो गया हमारा, टोटल जो टाइम पीरियड है हमारा वो 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, अब वो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो रखा है। ठीक है ना, टाइमिंग जो होगी वो 11:30 से स्टार्ट होगी एएम से, और जो भी एक टर्मिनेट टाइम है वो उसका अपना एंडिंग टाइम। लेकिन जो मिनट दिए जाते थे रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स को, वो अब मिनट हमारे 15 से लेकर अब हमारे बढ़ा दिए उसने, 20 मिनट्स की हमारे को रीडिंग मिलेगी। ठीक है ना, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो टर्म फर्स्ट का है हमारा, वो हमारा मोड तो हमारा ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है बेटा, मोड एग्जाम का ऑफलाइन होने वाला है, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है, टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है वो हमारी ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है बेटा, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एग्ज़ाम देने के बाद में क्या हम फर्स्ट टर्म में ही पास हो जाएंगे, या मतलब फर्स्ट टर्म में ही पास हो जाएंगे, या हमारा टोटल रिजल्ट हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा सेकेंड टर्म में। चलो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, सीबीएसई ने बोला है कि जो टर्म फर्स्ट है टर्म फर्स्ट जो हमारा 14 मार्क्स का होगा, या मार्क्स वो अपना वेरी भी कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसकी हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात, जो टर्म फर्स्ट है बच्चे उसी से पास नहीं होना हमारे को। ठीक है, अभी फिलहाल उससे पास नहीं होना, और जब उसका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम कंडक्शन होने के बाद में, उसके रिजल्ट पे ना तो आपके में पास शब्द का यूज होगा, ना कंपार्टमेंट का यूज होगा। ठीक है, और ना ही हमारा एसेंशियल रिपीट का मतलब बेटा जो फेल होता है ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं यूज करी जाएगी। जो भी आप स्कोर करोगे, स्कोर मार्क्स होंगे आपके, वही आपके रिजल्ट पे डिस्प्ले होने जा रहे हैं। क्लियर बेटा, यानी ना तो इस टर्मिनोलॉजी का यूज करा जाएगा पास या प्रमोट का, ना ही कंपार्टमेंट का, और ना एसेंशियली या एसेंशियल रिपीट यानी फेल टर्म का भी यूज नहीं करा जाएगा। ठीक है, इट मींस कि आपका फाइनल रिजल्ट फर्स्ट टर्म से ही डिक्लेयर नहीं होने वाला। ठीक है, आपको टर्म सेकंड देने की भी आवश्यकता है। आप टर्म सेकंड भी दोगे, यानी टर्म सेकंड जब आप दोगे मार्च और अप्रैल में, अकॉर्डिंग टू द पैंडेमिक या कोविड 19 की जो कंडीशन है कंट्री में, इसके अकॉर्डिंग जो आप एग्जाम देने जाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका सेकेंड टर्म के बेसिस पे ही आएगा। क्लियर है? अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो होता है, ठीक है, वो कब होगा, ठीक है, वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इंटरनल असेसमेंट है वो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ओवर होने से पहले ही आपका या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट ले लिया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव स्कूल के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये ओवरऑल जानकारी थी आपकी सीबीएसई ने जो अपने जो सर्कुलर 14 अक्टूबर में 2021 में दी थी, वो ओवरऑल ये जानकारी थी। आपको मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ कि सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है, वो 10th और 12th का बोर्ड कंडक्ट कराने जा रही है। उसने क्या करा है, अपने पूरे एग्जामिनेशन को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में। जो टर्म फर्स्ट कंडक्ट होगा हमारा वो नवंबर से दिसंबर तक में होगा। ठीक है, और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट टर्म का वो हमारा क्या होगा, ऑफलाइन होगा, और उसके अंदर क्वेश्चनिंग की जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव ही आएगी, और 90 मिनट की ड्यूरेशन होगी। अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं बेटा। सेकंड टर्म में
सेकेंड टर्म है वो कंडक्शन होगा उसका हमारा मार्च से अप्रैल में होगा, और जो उसकी टाइप है वो भी ऑफलाइन होगी, और जो क्वेश्चन है मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होगा, जो क्वेश्चन की टाइप होगी वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो सकती है, इट डिपेंड्स करता है हमारी COVID-19 की कंडीशन के ऊपर इन द कंट्री। क्लियर है ताकि ठीक है ना। ये दूसरी बात मैंने आपको बताया कि मेजर चेंजेस क्या करें। CBSE के पास मैंने आपको बताया था कि लगभग 12th क्लास के उसके पास में 114 सब्जेक्ट के होते हैं और 75 के सब्जेक्ट होते हैं हमारे 10th क्लास के, इस तरीके से 189 सब्जेक्ट टोटल होते हैं। अगर इतने एग्जामिनेशन को अगर CBSE कंडक्ट कराएगी तो 40 से 45 डे लगेंगे, तो इसीलिए अवॉइडिंग द लर्निंग लॉस ऑफ द स्टूडेंट CBSE ने क्या करा है, सब्जेक्ट को मेजर माइनर में डिवाइड कर दिया है। तो मेजर सब्जेक्ट जो हम देते आ रहे हैं ठीक है ना, फॉर्मली हम देते आ रहे हैं, वही हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं 10th क्लास के, मैथमेटिक्स, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं। सिमिलरली हमारे 12th क्लास के भी मेजर सब्जेक्ट वही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हमारा अकाउंटेंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पोलिटिकल साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ये सारे हो गए, होम साइंस वगैरह, तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट ही हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं उनको CBSE ने ऑफर ही मेजर सब्जेक्ट कर रखे हैं, तो उनके लिए उसने डेट शीट इशू करना जरूरी है, और डेट शीट की जो इशू डेट है वो आपको बता दी है मैंने, 18 अक्टूबर 2021 में रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब जो मेजर चेंज उसने करे हैं वो एक तो टाइमिंग में चेंज करा है, जो सुबह मॉर्निंग में टाइम होता था पहले 10:30 बजे से स्टार्ट होता एग्जामिनेशन, नाउ अब वो कितने टाइम में स्टार्ट होगा, 11:30 पे, यानी 11:30 पे होगा। दूसरा रीडिंग, रीडिंग जो होती है स्टूडेंट के लिए रीडिंग टाइम मिलता है बेटा, उसमें भी एक मेजर चेंज करा है इसने, वो पहले हमारा 15 मिनट का होता था, अब आपके पास में वो कितने मिनट का हो गया, 20 मिनट्स का हो गया। तो आप खूब ढंग से उसको अपने एग्जाम को आई होप रीडिंग करना और उसको समझना, उसके बाद में आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हो। रिजल्ट के बारे में भी मैंने आपको क्लियरेंस दे दी है कि जो रिजल्ट है फर्स्ट टर्म से डिसाइड नहीं करा जाएगा टोटल रिजल्ट, क्लियर है, और आपका रिजल्ट तो मिलेगा फर्स्ट टर्म का, लेकिन उस पर ये टर्म लिखी नहीं होगी बिल्कुल भी, पास, कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट, डैट इज फेल टर्म वगैरह नहीं लिखी होगी। आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा जब आप सेकेंड टर्म के एग्जाम को मतलब प्रिपेयर करके दे दोगे, उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक है ना, CBSE डिक्लेयर करेगी। दूसरी बात मैंने इसको इसके बारे में भी बता दिया आपको, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, कि इसमें क्या होगा, जो टीचर को गाइडलाइन मिली है फर्स्ट टर्म के लिए कि फर्स्ट टर्म ओवर होने से पहले ही वो क्या करेंगे, आपका प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट या जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनको कंडक्ट करा दें। क्लियर है बेटा, आई होप मैंने सारी जानकारी, ऑलमोस्ट सारी जानकारी CBSE के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दे दी है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, थैंक यू।